हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जीमेल आईडी बनाना है तो कैसे बना सकते हो। हालांकि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन हर कोई जीनियस नहीं होता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह बहुत सारे लाइक्स दे देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी मेरा ऐसा हेल्पिंग वीडियो मिस ना कर सको। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल के ब्राउजर में जाना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया है, और अगर आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे आप बिल्कुल यहाँ पे google.com ये टाइप कर लीजिए, और जैसे आप google.com टाइप करोगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे आपको सर्च करना जीमेल आईडी क्रिएट, और बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी पहले से जीमेल आईडी होंगे बनाए हुए बहुत सारे, तो आपको ऊपर तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू इनकॉग्निटो टैब में जाना है और वहाँ पे आपको नया जीमेल आईडी बनाना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम जीमेल आईडी बना रहे हो आपके मोबाइल में तो बिल्कुल आप नॉर्मल से प्रोसेस है वही आपको फॉलो करनी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट सर्च करोगे बिल्कुल यहाँ पे आपको नीचे जाना और यहाँ पे देखिए आपको account.google.com का यहाँ पे वेबसाइट मिलेगी जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल आउट करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपको जो आईडी रखना है वो, और पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से सर कुछ डिटेल फिल आउट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे कुछ डिटेल फिल आउट कर दी है, जैसे कि मेरा नाम, सरनेम, यूज़र नेम भी डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप यूज़र नेम सिलेक्ट करोगे वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जिससे कि आज के पहले कभी भी जीमेल अकाउंट ओपन नहीं हुआ होगा। जैसे आप यूज़र नेम डालोगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे बिल्कुल यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि यूनिक है कि नहीं। यूनिक होगा तो बिल्कुल आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले ऊपर दिया गया है फोन नंबर, यहाँ पे आपको ऑप्शनल लिखा गया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे आप फोन नंबर डेफिनेटली एंटर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो बिल्कुल आप फोन नंबर के जरिए रिसेट कर सकते हो आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे फोन नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी है, यहाँ पे आप रिकवरी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, हालांकि वो ऑप्शनल है, तो चलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। और आप नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक कोड आएगा जो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सेंड नाउ के ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो भी ने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर। मेरे मोबाइल में कोड आ चुका है तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ फटाफट से। और नीचे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे देखिए यस आई एम इन का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स का सारी कुछ डिटेल्स दी गई है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ये सारी कुछ बातें पढ़ने की। तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज आएगा बिल्कुल इस तरह का, यानी कि यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है, जीमेल आईडी बन चुका है। तो चलिए ऊपर की तरफ आपको स्क्वायर दिख रहा है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे अब आप आपके जीमेल अकाउंट में चले गए हैं, यानी कि आपका जीमेल आईडी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे बन चुका है। जैसे मैं ये तीन डैश के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आपको आपका जीमेल आईडी दिखेगा, यानी कि अब ये जीमेल आईडी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों ये मेथड बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं थी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपकी भी रिक्वेस्ट होगी कोई तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दे देना, शेयर कर देना ये वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही हेल्पिंग वीडियोज़ आपके लिए रोजाना लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।